हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? गुड एंड फाइन। दिस इज़ योर MSc वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 15, सेतु बंधासना, ब्रिज पोज। यू मे नॉट बी एबल टू कंट्रोल द होल वर्ल्ड, बट यू मे लर्न टू कंट्रोल योर इनर वर्ल्ड थ्रू योगा। देवाशीष मरीधा जी ने कहा है, यू मे नॉट बी एबल टू कंट्रोल द होल वर्ल्ड, कि आप जो है सारे संसार को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको कंट्रोल करने में आप एबल नहीं हैं। बट यू मे लर्न टू कंट्रोल योर इनर वर्ल्ड थ्रू योगा, लेकिन योगा के द्वारा आप अपने इनर वर्ल्ड मीन्स आंतरिक संसार को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। ये किसका कहना है? देवाशीष मृधा जी का। नाउ लेट्स स्टार्ट रीड द लेसन। सेतु बंधासना इज मेड अप ऑफ 3 संस्कृत वर्ड्स लाइक सेतु। सेतु मीन ब्रिज। सेतु का क्या मीनिंग होता है? ब्रिज या पुल। यू कैन सी इन दिस पिक्चर द आसना ऑफ बंधासना, सेतु बंधासना। ये संस्कृत के 3 वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट क्या है? सेतु, जिसका मीनिंग क्या है? ब्रिज, यानी पुल के समान है। द नेक्स्ट वन इज बंधा, मीनिंग बाउंड यानी बांधना या फिर मुड़ना। एंड आसना, आसना मीन्स मीनिंग पोज यानी मुद्रा, यानी जो पुल होता है एक मुड़ा हुआ पुल जो होता है उसकी शेप के जैसे इसकी मुद्रा होती है। इट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी बैक बैंड योगा पोजिज दैट प्रिपेयर्स वन फॉर एडवांस्ड बैक बैंड वर्जन्स। जो बैक बैंड योगा है उनमें प्राथमिक योगा यही है, और जो बैक बैंड वाले जो योगा होते हैं, कमर से रिलेटेड, कमर मोड़कर जो योगा किए जाते हैं, उनके लिए क्या करते हैं, उनको करने की ये तैयारी है। इसको करके हम जो है कमर से रिलेटेड जितने भी हमारे योगा होते हैं उनको अच्छे से कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू डू सेतु बंधासना? द फर्स्ट वन इज बिगिन बाय लाइंग डाउन ऑन द फ्लोर विद योर नीज बेंट एंड द सोल्स ऑफ योर फीट टचिंग द ग्राउंड। तो सबसे पहले इसको कैसे शुरुआत करनी है? इसको सबसे पहले तो आपने लेटना है फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर, विद योर नीज बेंट, अपने मुड़े हुए घुटनों के साथ आपको लेटना है। एंड द सोल्स ऑफ योर फीट टचिंग द ग्राउंड, और आपके जो पैर के जो तलवे होते हैं वो ग्राउंड को टच होने चाहिए। सेकेंड स्टेप, प्लेस योर हैंड्स ऑन द ग्राउंड बाय द साइड ऑफ योर बॉडी विद योर पाम्स फेसिंग डाउनवर्ड्स। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने अपने जो हाथ हैं, हाथों को अपने शरीर के बगल में रखना है विद योर पाम्स फेसिंग डाउनवर्ड्स। उनके जो हथेली जो होती है आपकी, उसका जो फेस होता है वो नीचे की तरफ हो, ग्राउंड की तरफ हो। नाउ इनहेल डीपली। उसके बाद आपने गहराई से क्या करना है, सांस लेना है। इनहेल का मतलब क्या होता है? सांस को अंदर लेना। एंड रेज योर वेस्ट ऑफ द ग्राउंड, और फिर आपने अपनी कमर को क्या करना है, ग्राउंड से ऊपर उठाना है। यूज योर हैंड्स टू कीप फ्रॉम लॉसिंग बैलेंस, और अपने शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है, अपने हाथों को आप यूज़ कर सकते हो, अपने हैंड्स को आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप, मेक श्योर दैट योर हेड, नेक एंड शोल्डर्स आर फ्लैट ऑन द मैट, और ये निश्चित करें कि आपका हेड, नेक और शोल्डर्स, जो कंधे हैं आपके और जो सिर है, जो गर्दन है, वो क्या हो, जो भी मैट आपने बिछाया हुआ है योगा करने के लिए उसके ऊपर आपका हेड, नेक और शोल्डर्स अच्छे से क्या हो, फ्लैट हो, सीधे हो, बिल्कुल स्पाट हो। इफ पॉसिबल, अगर संभव हो सके, ट्राई टू क्लैस्प योर फिंगर्स बिलो योर रेज बैक टू गेट एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच। ज़्यादा खिंचाव को
बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है, अपने हाथों को आप क्या कर सकते हैं, क्लैस्प कर सकते हैं, अपने हाथों को आगे बढ़ा सकते हैं आप। डू नॉट ट्राई टू क्लैस्पिंग इफ़ यू सीम टू लूज बैलेंस। अगर आपको लगता है कि आपका बैलेंस लूज हो रहा है या बैलेंस नहीं बना पा रहे, तो आप ऐसा ना करें। स्टे इन दिस पोजिशन फॉर 5 to 10 डीप ब्रेथ्स, और 5 से 10 सांस लेने तक इस पोजिशन में आप रह सकते हैं। एंड देन जेंटली लोअर योर सेल्फ बैक डाउन एज यू स्लोली एक्सहेल, और फिर आराम से आप जो है सांस को बाहर छोड़ते हुए आप अपनी कमर को नीचे कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ बंधासना। सेतु बंधासना स्ट्रेचेस द चेस्ट, हिप्स, नेक एंड स्पाइन। सेतु बंधासना जो है हमारे लिए लाभदायक है, चेस्ट, हिप्स और नेक और स्पाइन को राहत देने में हमारी सहायता करते हैं, ताकि ये जो चीज़ें हैं हमारे जो शरीर के अंग हैं, ये अच्छे से प्रॉपर तरीके से काम कर सके। इस स्ट्रेंथन्स द चेस्ट, नेक, हिप्स एंड बैक मसल्स, और ये किसको मजबूत करता है, चेस्ट को, नेक को, हिप्स को और जो हमारी बैक मसल्स होती हैं। इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी, और किसको इम्प्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन को। इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड कॉज माइल्ड डिप्रेशन, और उसके बाद जो है हमारे ऊपर जो स्ट्रेस होता है, जो तनाव होता है, जो अवसाद होता है, जो परेशानियां, जो चिंताएं हम करते हैं, उसको भी हम क्या करता है, ये दूर करता है। इस योग को करने से आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। इट काम्स द ब्रेन एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये जो हमारे ब्रेन और हमारे माइंड को शांत करता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी बिल्कुल अच्छे से लाभ पहुँचाता है। इट रिड्यूसेस प्रॉब्लम्स लाइक बैकएक, और ये और कौन सी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस यानी दूर करने में हमारी हेल्प कर सकता है, बैकएक यानी जो पेट का दर्द होता है, इंसोमनिया, इंसोमनिया मीन्स अनिद्रा यानी नींद का न आना, फैटीज मीन्स थकान, हेडेक, सिर का दर्द, एनेक्सिटी एक्सेट्रा, और ये जो है हमारे इन प्रॉब्लम्स को लाइक बैकएक, इंसोमनिया, फैटीज, हेडेक, एनेक्सिटी, इन प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है। स्टिमुलेट्स द लंग्स एंड द एब्डोमिनल ऑर्गन्स, और ये हमारे लंग्स को और हमारे पेट के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको उत्तेजित करने में भी हमारी हेल्प करता है। ऑलवेज रिमेंबर, सेतु बंधासना इज मेड अप ऑफ 3 संस्कृत वर्ड्स। फर्स्ट वन इज सेतु मीन्स ब्रिज, सेकेंड वन इज बंधा मीन्स बाउंड, एंड थर्ड वन इज आसना मीन्स पोज। इट इज वन ऑफ द प्राइमरी बैक बेन योगा पोजिस। इट स्ट्रेंथ द चेस्ट, नेक, हिप्स एंड बैक मसल्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन वेरी वेल। नाउ रीड दिस लेसन फ्रॉम योर बुक। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।